अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ लोग सब खैरियत से होंगे। और गुड मॉर्निंग, कॉलेज का टाइम हो चुका है, अब मैं जा रहा हूँ कॉलेज। और आज है इंडिया और इंग्लैंड का सेमीफाइनल, तो देखते हैं आज कौन जीतता है और हमारे पाकिस्तान के साथ मुकाबला करता है। तो आज का व्लॉग यहीं से स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू माई न्यू व्लॉग। व्लॉग अपने रूम से स्टार्ट किया तो बैग लेने मुझे दूसरे रूम में जाना होगा, तो इस रूम को करते हैं अल्लाह हाफिज। और माशाल्लाह मामा सुबह सुबह इधर मक्का देख रही हैं, माशाल्लाह। जल्दी से प्रोजेक्ट पे काम ख़त्म हो, जल्दी से मैं वर्क करके फारिग हूँ और घर पे आराम करूँ। सुबह सुबह बिल्कुल भी जाया नहीं जाता यार, पता नहीं मुझे लेना ही नहीं चाहिए था, सुबह गलती कर दी मैंने, अपने लिए गलती कर दी। कॉलेज पहुंच चुका हूँ, वेटिंग रूम में वेट कर रहा हूँ क्लास स्टार्ट होने का। ये लेटर हेड है जो डिज़ाइन किया है, ये सिंपल ही होता है, इसमें सिर्फ नेम आता है, लोगो आता है और एड्रेस वगैरह आता है। ये लेटर हेड है, ये एनवलप डिज़ाइन किया है, ये टू होता है एनवलप जिसमें एक फ्रंट होता है एक बैक होता है। कॉलेज से छुट्टी हो चुकी है और माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा हद तक काम कर चुका हूँ। कॉलेज से मैं आया हूँ और आयशा भी है घर पे। हेलो, कैसे आप सब? आयशा कैसे? ये भी अभी स्कूल से आई है अपनी मामा के साथ, तो डायरेक्ट घर पर आ गई। मैं घर पर आया तो ये आई भी थी, मैंने बोला चलो वीडियो अपलोड करने के लिए बैठ जाऊँ क्योंकि वीडियो अपलोड करने का टाइम हो रहा है और आज इंग्लैंड और पाकिस्तान का मैच है। पहले वीडियो अपलोड करूँ फिर इसके बाद जाऊँगा, देखता हूँ किसकी बैटिंग चल रही है। अब देखो आज कौन जीतता है और पाकिस्तान के साथ मुकाबला होता है। अभी मैं कर रहा हूँ वीडियो अपलोड, अपना लैपटॉप भी ऑन कर। खाना आ चुके, खाने में है चिकन कोरमा और साथ ही पुलाव, मेरा फेवरेट है। अब मैं खाता हूँ जल्दी से खाना। खाना खा के फारिग हो चुका हूँ और वीडियो में मसला आ गया क्योंकि कल जो मैं मैच देख रहा था उस वीडियो में कॉपीराइट क्लेम आ गया, इस वजह से वीडियो फौरन ही डिलीट करना पड़ा, तो इस वजह से वीडियो डिलीट कर दिया। अभी भी मैं मैच देख रहा हूँ लेकिन मैच नहीं दिखाऊंगा क्योंकि यार पता नहीं क्या मसला हो गया था, मैच देखने से कॉपीराइट आ गया, कुछ समझ नहीं आया। अभी मैं वो दोस्त से पूछूंगा कि ये कॉपीराइट क्यों है, इधर चल रहा है मैच, बस हल्का ही से झलक दिखा सकता हूँ वरना इस वीडियो में भी कॉपीराइट आ जाएगा। अब मैं जा रहा हूँ शॉप, टीवी ऑफ कर दूँ, शॉप पर ही मैच देखूँगा। बहुत अफसोस हुआ यार, ये कॉपीराइट क्लेम आ गया वीडियो में। देखे पूरी मेहनत मैं कर रहा था, ठीक है पूरी मेहनत कर रहा था, अभी ये मेरी तो गलती नहीं है कि YouTube ने कॉपीराइट क्लेम दे दिया। वन मंथ की चैलेंज थी जिसमें आज एक वीडियो डिलीट हो गया, बनाया तो बना तो मैं रोज़ ही, अब वो क्लेम कॉपीराइट क्लेम आ गया। अभी ये गलती तो मेरी नहीं है यार, बहुत अफसोस हुआ ये वीडियो डिलीट करते हुए क्योंकि कॉपीराइट क्लेम हो गया। शॉप से आया हूँ घर, मैंने बोला घर में जाके मैच देखो, काफ़ी अच्छा चल रहा है यार, इंग्लैंड सैल्यूट है, क्या मैच खेल रहे ये लोग, बिल्कुल इंडिया को ऐसा पिटा है ना इन लोगों ने, ऐसा पिटा। अभी भी मैच ही चल रहा है, नहीं दिखा सकता, कॉपीराइट का मसला था, खाली छक्के चौके ही जा रहे। अभी मैं हूँ मैच देख रहा हूँ, मैच लगा हुआ है, ज़्यादा नहीं दिखा सकता, अब डर लग गया क्योंकि कल का व्लॉग मेरा पूरा ज़ाया हो गया, इतनी मेहनत से सारे दिन व्लॉग बनाया फिर रात को एडिट किया फिर कॉपीराइट लग गया। तो इससे समझ आ गया कि पाकिस्तान और इंग्लैंड का फाइनल होने वाला है संडे वाले दिन। अब देखते हैं के संडे को कौन जीतता है। तो अभी मैं मैच पे पूरा फोकस किया हुआ हूँ, मैच देखकर भी जाऊँगा फ्रेश वगैरह होने। इंडिया के नसीब में बुराई आई हुई है, कैच आते आते छूट जा रहा है इन लोगों से, तीन कैचेस छोड़ चुके हैं। अब इंग्लैंड जीतने वाला है, देखते हैं कि कब जीतकर इंग्लैंड फारिग होता है। वैसे इंडिया को तो यार बहुत 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 गंदा धोया है, इंडिया अपना टिकट कटवा ले अपने मुल्क जाने के लिए क्योंकि फाइनल होने वाला है पाकिस्तान एंड वीएस इंग्लैंड। फाइनली इंग्लैंड वॉन दी मैच एंड नाउ आई एम गोइंग टू टेक अ बाथ। मैं फ्रेश होकर चले गया था किसी काम से और अब आया हूँ टेरिस पे क्योंकि दो दिन हो गए मैंने तोते लोगों को नहीं देखा कि क्या इन लोगों के पास क्या नहीं है। तो अभी मैं आया हूँ आयशा के साथ, ये जी आयशा भी है और इसकी एक बात है वो आप लोगों को बाद में बताऊँगा, ये खुद बताएगी क्योंकि इसने मुझे दिन में कहा है, मैंने बोला चलो मैं बता दूंगा कोई मसला नहीं है। आशा है हम लोग तोता देखते हैं, जम 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 जम
ये रे सारे खाना भी पड़ा हुआ है, थोड़ा सा खाना और डाल देता हूँ। खाना भी पड़ा हुआ है, इन लोगों को अलग अलग करना है क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा है ना। ऊपर जोड़ी लेकर आया था उसको ऊपर डालना और कुछ को नीचे रखना है। अभी मगरिब का भी टाइम हो चुका है, हम लोग दोनों ऊपर आए तोता देखने क्योंकि टाइम ही नहीं मिला मुझे, मैं कहीं चले गया था, अब जा रहा हूँ वापसी, नीचे काम है। और आज जो मैं शर्ट पहना हूँ आयशा के पसंद जो मैंने उसने मुझे निकाली की थी, बोले मामू ब्लैक टी शर्ट एंड ये शर्ट पहने, मैंने बोला अच्छा चलो ठीक है तुम्हारे पसंद का पहन लेता हूँ। आयशा उसको नहीं छेड़ो, अब मार खाने वाला काम करिए, डरती भी इतना है लेकिन मस्ती भी करती है। आयशा चले अब नीचे, अरे आराम से क्योंकि और भी बांधे है ना, वो लोग देख लेंगे कि ये लोग ऊपर गए, फिर वो लोग तंग करेंगे कि ऊपर आओ, ऊपर चलो वापसी। मैं टेरिस से आने के बाद चले गया था बाहर किसी काम से, आयशा से बहुत मुश्किल से जान छुटाया, वो तो जाने नहीं दे रही थी मुझे, नहीं घर में 5-10 मिनट उसके साथ खेला, फिर वो कहीं गई, मैं छुप से निकल गया बाहर किसी काम से। काम से अभी फारिग होकर आया हूँ तो आयशा अपने घर जा चुकी है, तो मैंने कहा कि चलो कोई बात नहीं। सिस्टर ने बताया कि काफ़ी रो रही थी, नहीं जा रही थी, बोली थी मामू से मिल के जाना, लेकिन सिस्टर ने उसको ज़बरदस्ती चले गई वो सिस्टर के साथ। अब मैं जा रहा हूँ खाना खाने, खाना भी लग चुका है और जल्दी से खाता हूँ खाना क्योंकि भूख लगा हुआ है मुझे। खाना आ चुका है और खाने में मज़ेदार बिरयानी आज सिस्टर ने पकाया अपने हाथ से, काफ़ी अच्छा लग रहा है, इसको निकालते हैं, भूख भी काफ़ी तेज लगी हुई है मुझे। खाना खा लिया और साथ ही खाने में बना था बिरयानी क्योंकि मलाइका है मेरी भांजी, उसको मैंने पहले व्लॉग में नहीं दिखाया क्योंकि वो बिल्कुल भी मेरे पास नहीं आती, वो सिर्फ अपनी मामा के पास ही रहती है। तो आज तो उसके छोटी सी बर्थडे थी यार, बर्थडे सेलिब्रेट करना था मुझे, बट के घर पे सारे आए हुए थे इस वजह से सेलिब्रेट नहीं हुआ। उसका भाई, उसी का भाई है वो जिसका हसन अली नाम है, तो उसके भाई की वजह से भी वो लोग शाम में लेट आए थे, इस वजह से बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया हम लोगों ने, वरना तो सब बच्चों का किया सेलिब्रेट, इसका भी करना था, लेकिन कोई मसला नहीं है बाद में कर लेंगे इसका बर्थडे सेलिब्रेट। तो बस छोटा सा केक लिया था हम लोग ने, बोला यही कट कर लेते ताकि बच्ची खुश हो जाए। ये मेरे ब्लॉग में आती नहीं है, काफ़ी ज़्यादा तंग करती है सबको घर में, सिर्फ अपनी मामा के पास रहती है, इस वजह से मैं उसको व्लॉग में नहीं रहता हूँ। और वो आज आई भी है रुकने अपने भाई के साथ, तो उसको थोड़ा सा प्यार करूँगा, तो आप लोग भी देखना वो कैसे आने, बिल्कुल ही आने नहीं मांगती है मेरे पास, किसी के पास जाने नहीं मांगती है। तो अभी खाना खा के फारिग हुआ हूँ और अब जा रहा हूँ, बांजा आया हुआ उसे थोड़ा सा प्यार वगैरह करता हूँ, तो इसके बाद करूँगा व्लॉग का एंड। काफ़ी मुश्किल से इसको मैं लेकर आया हूँ, ये आती नहीं है, अपनी मम्मा के पास थी और अभी हाथ में मोबाइल ली हुई पता नहीं किसका, सारे दिन सिर्फ ये मस्ती करती है, इसके बाल वगैरह ऐसे ख़राब हो रहे हैं और ये अपना नाइटी पहन कर बैठी हुई है सोने के लिए क्योंकि लेट हो गया, बच्चों के सोने का टाइम हो रहा है। तो ये इसका फर्स्ट वीडियो है जो ये मेरे ब्लॉग पर आई है, वरना तो आप लोगों ने नहीं देखा होगा मेरे किसी भी ब्लॉग में, सिर्फ आयशा आती है, उमर होता है और जयान होता है, जयान भी आया हुआ था लेकिन आज उसके साथ ब्लॉग नहीं बनाया, वो इतना मस्ती करता है ना कि मुझे गुस्सा आ रहा था, इस वजह से आज मैं उसको ब्लॉग में लिया ही नहीं और ना ही उमर को लिया, सिर्फ आयशा को लिया था। और ये है मलाइका, आप लोग आज इससे भी मिल लें, ये बहुत मस्ती करती है। अब मैं जा रहा हूँ इसके छोटे भाई को प्यार करने, हसन अली आ चुका है मेरे पास, अब मैं करूँगा इसको थोड़ा सा प्यार। और कैमरा मैंने अपनी सिस्टर को पकड़ाया हुआ है क्योंकि हसन अली है मेरे साथ, तो हाथ से कैमरा ब्लॉग नहीं बना सकता, तो अब इसको थोड़ा सा प्यार करता हूँ पहले। तो आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करते हैं, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दें और मुझे नहीं करें, ये हसन अली को करें क्योंकि आज का ब्लॉग ये मेरे साथ एंड कर रहा है। तो मस्ट से लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन लाजमी प्रेस करें आप लोग, ताकि रोज़ नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों के पास आ जाए। दुआओं में याद रखें और हसन अली रो रहा है,
तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।